हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है प्रोबेबिलिटी का. आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 अटेंड किया था. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था कल का, जहां पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का भी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों उसी का आगे कंटिन्यूएशन है. हमने वहां पर देखा था कि यार आपका जो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल है उसी को अगर आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे लगाते हो तो वो किस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, सो उस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आज हमें डिस्कस करना है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स फोकस्ड आज का लेक्चर हमारा होने वाला है. ठीक है, सो यहां पर बच्चों आप अगर रेगुलरली अनअकैडमी जेई के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो आपको यहां पे बहुत बेनिफिट हो रहा होगा. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन आई वुड सजेस्ट कि आपने सबसे पहले तो अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए ताकि यहां पर होने वाले लाइव लेक्चर्स आपके मिस ना हो. ठीक है, और बच्चों यहां पर जो आपको टीम नजर आ रही है ये बहुत ही अमेजिंग टीम है. जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं आपकी यहां पर रेगुलरली आकर जेई एग्जाम के लिए जो आपको मदद चाहिए होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं. आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ताकि आपको यहां पर एक विजुलाइजेशन भी आ पाए सारे कॉन्सेप्ट्स का, ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ और ज्यादा समय तक याद रख पाओ. ठीक है, सो सबसे पहला काम तो बच्चों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और साथ ही साथ बच्चों आप एक काम जरूर कर सकते हो, ये जो हम आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक मिशन है जो यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर आपको कोई दूसरा भी अगर यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हो तो वहाँ पर आप इन लेक्चर्स को शेयर करो और अभी शेयर करो ताकि यहाँ पर और भी बच्चे इन लेक्चर्स को देखकर थोड़ा कुछ अचीव कर पाए. ठीक है, अपने जेई के टारगेट की तरफ और थोड़ा आगे बढ़ पाए. ठीक है, ऑलराइट, तो बच्चों आपको ये एक्टिविटी कर देना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों लाइक भी करो ताकि जो हमारी टीम है जो यहाँ पे इतनी मेहनत से आपके लिए सब कुछ कंटेंट ला रही है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले. बच्चों आपको अगर कनेक्टेड रहना है हम सारे टीचर्स के साथ में, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर हमारा एक अनअकैडमी जेई नाम से एजुकेशन ग्रुप है. इस ग्रुप में ऑलरेडी 26,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आप भी इसका हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हम रेगुलरली अपडेट्स और नोट्स शेयर करते हैं. ठीक है, सो उसके लिए करना क्या होगा आपको, एक बार अगर आपने यहां पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में तो अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाके आपको ये लिखना होगा tinyurl.com/jeelivechat, जिससे आपको उस ग्रुप में एंटर होने की परमिशन मिलेगी. और अगर आप यहां पर नए हैं देन आपको इंपॉर्टेंटली सुन लेना चाहिए अबाउट अनअकैडमी प्लस. जो रेगुलर बच्चे हैं आई गेस उनको अनअकैडमी प्लस के बारे में पहले से पता है, लेकिन नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चारों टीचर्स अनअकैडमी जेई चैनल जहां पर आप अभी हमें देख रहे हैं उसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है. ठीक है, लेकिन आप अगर ये फैसिलिटीज देखते हो कि आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर क्या क्या मिलती है देन आई गेस यू वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि आपको जो भी यहाँ पर कमी नजर आएगी. ठीक है, कि हमें डाउट्स क्लियर नहीं करने को मिल रहे हैं, हमें टीचर से डायरेक्ट बात करने को नहीं मिल रही है, या फिर हमें टेस्ट देने के लिए चाहिए जहाँ से हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से गेज कर पाएँ. ठीक है, सो ये जो सारी फैसिलिटीज किसी भी जेई एस्पिरेंट को चाहिए होती हैं वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक मेंबर बन जाते हैं अनअकैडमी प्लस का देन वहाँ पर होने वाले जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप सभी के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो. अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे साथ साथ यहाँ पर इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन डू दैट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, ये इसमें बहुत अच्छी बात है. और बच्चों आपको अगर ये क्लासेस लाइव अटेंड करनी है देन मोबाइल फोन के थ्रू करना ये बहुत ही आसान है. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बच्चों जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर टॉप रेटेड एजुकेशन ऐप है. आप जाके इसको इंस्टॉल करो और उसका जो मेन्यू बार है उसमें जाके प्लस सेक्शन में, आपकी क्लासेस लाइव कहाँ पर होती है, प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे लाइव होती है, तो प्लस सेक्शन में जाके अपने आईआईटी जेई जो कैटेगरी है, आईआईटी जेई जो आपका गोल है उसको आप सब्सक्राइब करो. ठीक है, सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो आपको बस इतना बताना होगा कि आप कितने देर के लिए यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हो और आई गेस यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है कोई से भी आप ले सकते हो, लेकिन वन मंथ का जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है वो शायद आईआईटी जेई एस्पिरेंट के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक बहुत ही लंबा टारगेट होता है आईआईटी जेई की तैयारी करना. ठीक है, सो यू कैन मे बी गो फॉर 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. एक साल या दो साल के लिए अगर आप कनेक्टेड रहते हो सारे टीचर्स के साथ में यू विल गेट अ वेरी गुड फील ऑफ द कंटेंट एंड यू विल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड टेक
ऑन जेई, ठीक है, जो आप आगे जाके देने वाले हो. ठीक है, आप क्या कर सकते हो बच्चों इसके लिए, अगर आपको यहाँ पर प्राइजेस जो दिख रही हैं वहाँ तक पहुँचना है तो आपको जेई लाइव कोड का यूज़ करना चाहिए विच प्रोवाइड्स यू 10% डिस्काउंट. ठीक है, आपके यहाँ पर जो प्राइजेस बच्चों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, लेकिन जब आप जेई लाइव कोड अप्लाई कर देते हो, डिस्काउंट ले लेते हो, देन दिस प्राइजेस कम डाउन टू अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर डे. दैट्स हाउ अफोर्डेबल अनअकैडमी प्लस इज फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स. ठीक है, तो आपको अगर पता नहीं है तो एक बार जाके एक्सप्लोर करो, और यहाँ पे क्लासेस कैसी होती है उसके बारे में भी आपने एक बार जाके जानकारी लेनी चाहिए. ठीक है, आपको कोर्सेज पता चलेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डाउट डिस्कशन सेशंस को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ठीक है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जहाँ पर बच्चे अपनी डाउट्स के इमेजेस अपलोड करेंगे और टीचर सॉल्व करेगा. ठीक है, ऐसी फैसिलिटी आपको बच्चों और कहीं नहीं मिलेगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए. और यहाँ पर जो बच्चों आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जहाँ पर हर संडे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड, हर टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है और साथ ही साथ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, सो ये जो आपको प्रैक्टिस मिलेगी यहाँ से, जो आपको नेशनल लेवल के ऊपर अपना एक रैंक देखने को मिलेगा, दैट विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपने और कितनी मेहनत करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपने और मेहनत करना चाहिए. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बच्चों आपने एक्सप्लोर करना चाहिए. अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर हम टीचर्स को पढ़ा के भी बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक है, लेकिन हम टीचर्स को बच्चों यहाँ पर पढ़ा के भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाते हैं, एंड दैट इज़ वॉट वी आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर, कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों तक हम जो क्वालिटी कंटेंट है वो पहुँचा पाएँ. ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विद द होमवर्क क्वेश्चन दैट आई गेव यू इन लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाई किया था, लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग ले लिया था, उसका फॉर्मूला हमने समझ लिया था, और उस फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जो वहां पे अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया था. उस पे बेस्ड मैंने बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया था, और आई गेस यहां पर काफी सारे बच्चों ने इसको किया होगा. यह 2016 मेंस का क्वेश्चन था. ठीक है, जो बच्चे हमें इस लेक्चर से ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है, क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपके पास में दो डाइस हैं आपने जिनको रोल किया है. ठीक है, जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारे आउटपुट्स आते हैं, कितने टोटल 36 हमारे पास में पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं. अब यहाँ पर ये बोल क्या रहा है कि उन डाइस के नाम भी हैं. ठीक है, एक ए नाम का डाइस है, एक बी नाम का डाइस है, आपने जो रोल किए मेरे ख्याल से आप उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो. लेट अस से एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है, इस तरह से इनके नाम आपने रखे हुए हैं. ठीक है, और एक साथ इनको फेंका गया साइमल्टेनियसली. इफ इवन इज द इवेंट दैट डाई ए शोज अ 4. ठीक है, तो यहां पर इसने इवेंट यहां पर डिफाइन करना स्टार्ट किया. इवन कब बोलूंगा मैं हो गया, इवन जो इवेंट है ये तब होगा जब मेरे पास आउटपुट किसके ऊपर, ए के ऊपर आउटपुट अगर मुझे 4 मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इवेंट इवन हो गया. ठीक है, इसका मतलब कभी कभी इवेंट इवन नहीं भी होगा, क्योंकि 4 हर बार आए डाई ए के ऊपर ये जरूरी नहीं है. ठीक है, ई टू इवेंट के बारे में क्या बोल रहा है, ई टू इज द इवेंट दैट डाई बी शोज अप 2. ठीक है, तो ई टू भी बहुत ही आसान सा इवेंट है आपका, एक ऐसा इवेंट जहां पर आपको 2 आउटकम मिलने पर ही आप बोलते हो कि वो इवेंट हो गया. ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हमारा क्लियर है कि हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट, ए के ऊपर 4 आएगा तो हम बोलेंगे इवेंट इवन हो गया, अगर बी के ऊपर 2 आएगा तो बोलेंगे कि इवेंट E2 हो गया. मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी यही, दोनों इवेंट्स एक साथ भी हो जाएं, दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, पहले वाले पे 4 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया. अब देखते हैं यहां पर आगे बोला क्या है. E3 इज द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ऑड. ठीक है, तो यहां पर E3 इवेंट थोड़ा सा इसने इलाबोरेट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सम इज ऑड. ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो कैसे काउंट होता है, दोनों डाइस का जो आंसर आया है उनको ऐड करके आपका फाइनल आउटपुट काउंट होता है. ठीक है, जब हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं तो वो ऑड आना चाहिए, ऐसा यहां पर ये बोल रहा है. तो हमें करना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. अब पहली बात तो ये कि यहां पर इतने अच्छे तरीके से आपको फोकस में नॉट वर्ड दिया गया है, एग्जामिनेशंस में ये वर्ड इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली हाईलाइट करके दिखाया जाए जरूरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी यूज किया, अंडरलाइन भी किया. ठीक है, जस्ट बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नॉट ट्रू वाले यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई हमसे. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका मतलब एक सिंगल करेक्ट आंसर ही है ना, मल्टी करेक्ट तो होता नहीं मेंस के अंदर. आपको बोला है नॉट ट्रू, मतलब ट्रू वाले यहाँ पे 3 आंसर हैं और एक इसमें से गलत है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कौन सा वाला गलत है इसके अंदर. सो यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहला जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा, E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मुझे एक्चुअली टेस्ट पता होना चाहिए. अगर मैं दो दो इवेंट्स का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं दो इवेंट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, या जो इवेंट्स इनको ही ले लेते हैं E1 और E2, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है तो ये टेस्ट कैसे किया जाता है. अगर मैं E1 इंटरसेक्शन E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा और वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के बराबर ही आ जाए बाय चांस, देन इन दैट केस हम इन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट है ऐसा लेबल कर सकते हैं. ठीक है, ये बेसिक आइडिया है. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो डेफिनेशन है ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी. ऑलराइट, तो यहां पे अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकाल के चेक करनी पड़ेगी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना आएगा इस बहुत ही आसान है. E1 की डेफिनेशन क्या है कि आपका 4 के ए का जो आंसर है वो 4 आना चाहिए. ठीक है, तो ए का आंसर अगर आपको 4 चाहिए देन इन दैट केस आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना बन जाएगा. ठीक है, ध्यान से सोच के बताओ. अगर आपको ए के ऊपर 4 चाहिए, अगर आप पेयर ऑफ डाइस रोल करते हो देन इन दैट केस आपके पास में टोटल 36 आपके पास में आउटपुट्स आते हैं. उनमें से एक रो ऐसी होती है जिसके अंदर पहले वाले पे हमेशा 4 आता है, दूसरा वाला कुछ भी हो जाए उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा. इवेंट इवन क्या है कि ए के ऊपर 4 आना चाहिए, बी के ऊपर क्या आना चाहिए उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा. तो ऐसे कितने आउटपुट्स आप इमेजिन कर पा रहे हो, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, यहां पर हम 6 टोटल आउटपुट्स इमेजिन कर पा रहे हैं जहां पर इवेंट इवन हो रहा है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना लिख सकता हूं मैं, 6/36. और अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का भी डिस्कशन करते हैं. अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप वो सारे यहां पे आउटपुट्स, वो सारे आपके इवेंट्स काउंट करो जहां पर आपको सम ऑड मिला, आउटपुट ऑड मिला. ठीक है, तो यहां पर यह करना काफी आसान है क्योंकि हमारे पास में जो भी आउटपुट आया है, हमारे पास टोटल कितने आउटपुट्स आ सकते हैं, सैंपल स्पेस में कितने, हमारे पास में 36 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो उनमें से आधे जो होंगे वो ऑड आउटपुट वाले होंगे, आधे इवन वाले होंगे. जैसे आपको 1.1 आया तो इवन है, 1.2 आया तो ऑड है. ठीक है, तो यहां पर आधे ऑड है आधे इवन है. ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मुझे कितना पता है, ये 1/2 के बराबर है. क्लियर है. अब एक बार मैं इवन इंटरसेक्शन E3 वाला जो एक यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इवेंट बनाया गया है, उसका एनालिसिस करके इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड करके रख लेता हूं. ठीक है, सोचो यहां पे ध्यान से, E1 भी हो जाना चाहिए और E3 भी हो जाना चाहिए. E1 हो जाना चाहिए मतलब A के ऊपर तो 4 आना ही है, A के ऊपर तो 4 आना ही चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, तो A के ऊपर अगर 4 आना चाहिए तो यहां पे B के ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. लेकिन आपको अगर सम और चाहिए देन इन दैट केस बी के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, बी के ऊपर या तो 1 या तो 3 या तो 5 होना चाहिए. क्यों, क्योंकि आपको सम ऑड चाहिए. अगर ए के ऊपर ऑलरेडी 4 आ चुका है जो इवन है तो बी के ऊपर ऑड आना चाहिए ताकि इवन और ऑड का सम करके आपको ऑड मिल जाए. तो यहां पर इवन इंटरसेक्शन E3 के आपको यहां पे फेवरेबल केसेस कितने मिले, इवन इंटरसेक्शन E3 के यहां पे आपको फेवरेबल केसेस केवल 3 मिले, 4.1 ऑड आ रहा है सम करके. ठीक है, 4.3 ऑड आ रहा है सम करके, 4.5 ऑड आ रहा है सम करके, और कोई केस यहां पर आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो टोटल 3 केसेस है जहां पर आपको फेवरेबल इवेंट जनरेट होते हुए दिख रहा है, लेकिन टोटल कितने थे आपके उसमें, 36 थे. तो क्या ये दोनों वाकई इक्वल हो गए, क्या ये दोनों वाकई इक्वल हो गए, यस ये दोनों वाकई इक्वल हो गए. एक बार यहां पे कैंसिलेशन करके देख ले सारे बच्चे, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 3/36 दोनों साइड लिखा हुआ है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया. ठीक है, यहां पर हमने एक तरीके से टेस्ट कर लिया कि E1 और E3 जो है वो वाकई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है, अब ऐसे आपको क्या करना है, बाकी सारी चीजें भी चेक करना है. तो यहां पर अभी ये जो बी वाला है ये बाकियों से काफी अलग लग रहा है. ठीक है, तो ये E1 और E2 और E2 और E3 जो हैं, आई गेस ये A के जैसे ही हैं, तो ये शायद इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, ये शायद इंडिपेंडेंट आ जाएंगे. तो हमने यहां पे B का ही अभी यहां पे कैलकुलेशन करके चेक करना चाहिए. ठीक है, B क्या बोल रहा है, E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट. तो अगर मेरे पास में 3 इवेंट्स हैं, है ना, और वो तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका टेस्ट क्या होता है कि आप अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तो आपके पास में इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली क्या निकल के आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकल के आना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने ऑलरेडी लिख लिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास में 6/36 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 1/2 के बराबर है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने अभी लिखा नहीं है, लेकिन E2 भी आएगा, कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि E1 जैसा ही सिनेरियो है वो. E2 बोल रहा है कि B के ऊपर तो 2 ही आना चाहिए, अगर B के ऊपर 2 ही आना चाहिए तो फिर यहां पर A के ऊपर कुछ भी आ सकता है. इसका मतलब फॉर इवेंट E2 टू अकर B के ऊपर 2 आना जरूरी है, A के ऊपर क्या आएगा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी आउट ऑफ 36, तो इसका भी यहां पर प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना निकलेगा, 6/36. ठीक है, 6/36. और आपका जो LHS है इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, E1 भी हो जाना चाहिए, E2 भी हो जाना चाहिए और E3 भी होना चाहिए. तो यहां पे आपको ये तीनों चीजें ट्रू करवानी है. आपका डाई ए पे
4 आना चाहिए, डाई बी पे 2 आना चाहिए और आपका आउटपुट का सम ऑड भी हो जाना चाहिए। अभी तो कुछ गड़बड़ हो गई, यहां पर आपको ए का आंसर 4 ऑलरेडी अगर मिल रहा है, बी का आंसर अगर 2 ऑलरेडी मिल रहा है तो इसका सम तो 6 होगा, तो आपका आउटपुट जो है वो तो 6 बनेगा, लेकिन यहां पर तो बोल रहा है कि ऑड आना चाहिए। ते तीनों इवेंट्स इसका मतलब साथ में तो कभी हो ही नहीं सकते, ये तीनों इवेंट्स साथ में कभी नहीं हो सकते, तो आपका ये जो LHS है इसका आंसर तो 0 निकल के आएगा। सो ये जो है स्टेटमेंट ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका मतलब आपका ये वाला ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट, देन दिस शुड बी द फॉल्स स्टेटमेंट दैट वी वॉन्ट टू फाइंड, ठीक है, और इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली मेंस का क्वेश्चन है। सो अगर हमने यहां पे COD ऑप्शन चेक नहीं किए तो भी चलेगा, क्योंकि आपका सिंगल करेक्ट ही होता है मेंस में, आपको पता है कि सिंगल करेक्ट आंसर सही होता है, और आपको अगर यहां पे एक स्टेटमेंट मिल गया विच इज नॉट ट्रू, सो इफ यू डोंट कैलकुलेट फर्दर इट इज ओके, हम एग्जाम में इस तरीके से करके टाइम बचा सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि चेक करके बताओ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं, तो आप यहां पे इस इक्वेशन को देख सकते हो कि वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये दोनों साइड चलता है, अगर इक्वेशन फुलफिल हो रही है मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो आप इक्वेशन के साथ में अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो रहे सर बच्चों, क्लियर? ऑलराइट, तो यहां पे आप बाकी दोनों भी बच्चों चेक करके देख सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स निकल के आएंगे आपके, क्योंकि ये करेक्ट आंसर्स है इसलिए आपको ऑप्शन में टिक नहीं करना है, है ना, क्योंकि आपको नॉट ट्रू यहां पे आंसर निकाल के बताना था। ऑलराइट, सो बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, बाकी बच्चे यहां पे आई गेस चेक कर ही लेंगे बड़ी आसानी से, जैसे हमने ए ऑप्शन को चेक किया है। ऑलराइट, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पे, आज मैं आपके साथ में फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आपको बहुत ज्यादा यहां पे फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस ईयर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस द थिंग्स विच आर आस्ड एट ए हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थियोरिटिकल डिस्कशन बच्चों हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, जैसे अभी हमने एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, हमें पता है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है तो फिर वो इवेंट्स एक्जैक्टली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों मल्टी करेक्ट है ना, ये आइकन बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके पास में एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई इट आउट, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस करने की बच्चों आपको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एडवांस के लिए ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे और यहां पर ऑप्शन ABCD में से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी है P(a) उसके लिए क्या बोला गया है कि P(a) lies between 0 and 1। अब यहां पे हर एक चीज जो दी हुई है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। यहां पर P(a) lies between 0 and 1, ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं लगा, तो यहां पर ये बता रहा है आपको कि ये इंपॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैनॉट बी 0 और कैनॉट बी 1, ये आगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में शायद आपकी हेल्प करेगा, इसलिए यहां पर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी कोई तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, वो एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 नहीं है, ऐसा इनिशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद इसने यूनियन का फॉर्मूला दिया हुआ है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है PA + PB - PA ∩ B। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है यार ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस में इसने P(a) × P(b) लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज P(a) × P(b), मतलब ए और बी यहां पे जो क्वेश्चन में दिए हुए इवेंट से वो इंडिपेंडेंट इवेंट से, ऐसा सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ के कंक्लूड किया, ठीक है। क्या कंक्लूड किया कि इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन ही पढ़ा है, अब ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शंस में यहां पे अब हर एक ऑप्शन आपको टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन कुछ पूछा था है ही नहीं उसने, देन लिख दिया केवल, ठीक है। अब देन लिख दिया तो यहां पे आपको हर एक चीज चेक करके देखनी पड़ेगी कौन सी वाली ट्रू है, जो भी ट्रू है उसको हम टिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये तो मुझे देखते से लग रहा है कि यार ये गलत होना चाहिए, ये देखते से क्यों लग रहा है गलत होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए के हो जाने से बी को फर्क नहीं पड़ रहा है,
ए के हो जाने से बी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो एक्चुअली इसका आंसर तो क्या आना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए था, इसने एक्स्ट्रा और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। और इसी लॉजिक से अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे तो डी तो आपका पक्के से सही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट से, तो बी के होने से ए को फर्क ही नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर आएगा, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ए और बी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन यहां पे हमने दो ऑप्शन बहुत आसानी से कर लिए, बाकी दोनों ऑप्शंस को यहां पे टेस्ट करके देखते हैं। जो यहां पर आपको बी ऑप्शन है उसमें देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस बी डैश, यहां पे डैश मतलब क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डैश की जगह बार भी हो सकता है, बार की जगह सी भी लिखा हुआ हो सकता है, आप यहां पे अलग अलग पेपर्स में अलग अलग नोटेशंस देखोगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस देखोगे, तीनों ही नोटेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, डैश लग सकता है, बार लग सकता है, या फिर ऐसा पावर में सी भी लिखा हुआ हो सकता है फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो पर्टिकुलर आपका अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप इसको वेन डायग्राम से मुझे बता सकते हो कि ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस बी डैश। तो ऐसे करते हैं, यहां पे जो हमारा वेन डायग्राम है उसके अंदर भी हम सर्कल्स को ए डैश बी डैश ही नाम दे देते हैं, ठीक है, यहां पे बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ए डैश और बी डैश भी तो सेट्स ही होंगे ना, जैसे ए और बी दो सेट्स होते हैं वैसे ए डैश और बी डैश भी सेट्स होंगे, सो व्हाई नॉट प्लॉट दिस, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा को पूरा डैश में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला क्या गया है, ए डैश माइनस बी डैश, मतलब ए होना चाहिए एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पे बी भी हो रहा है, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये वाला रीजन मिलेगा जहां पे ए है लेकिन बी नहीं है, ए है लेकिन बी नहीं है। अब इसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इस चीज को लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो आपका ए वाला सर्कल है, जो आपका सॉरी ए डैश वाला सर्कल है उसके अंदर से आपको कौन सा रीजन हटाना है जो ए डैश और बी डैश के साथ में कॉमन है, वो रीजन आपको हटाना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो अब यहां पे आपके पास में देखो ये वाला तो पोर्शन मैच कर ही रहा है, ये वाला पोर्शन आपका मैच कर रहा है इक्वालिटी में राइट हैंड साइड में, लेकिन आगे हमारे पास में कितना आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जबकि वहां पर कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये भी आपका इसका मतलब क्या होना चाहिए, गलत स्टेटमेंट है, ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो वी आर स्लोली एलिमिनेटिंग ऑप्शंस वन बाय वन, मोर देन वन में बच्चों आपको यही अप्रोच लेनी पड़ेगी, आपको हर एक ऑप्शन के ऊपर फोकस करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मोर देन वन में गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो नेवर एवर ट्राई टू एक्चुअली बायपास, है ना, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जल्दबाजी करने की आपने कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये हमने बी ऑप्शन चेक किया है, ऐसे हम सी ऑप्शन अभी आगे चेक करने वाले हैं। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि आपके उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है आपके पास में, ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पे मोर देन वन है तो ऐसा लगता रहा है कि ये भी सही होना चाहिए, है ना, एज ए स्टूडेंट आई गेस आप अगर सोच रहे हो तो आपको लगेगा यार मोर देन वन में सिंगल करेक्ट तो होता नहीं है, तो हम सी मार्क के मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का लॉजिक बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, ठीक है। सो दैट आई गेस वुड बी ट्रू इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है वो देख के ऐसा लग रहा है। आप यहां पर सबसे पहले तो ये सोचो कि यार ए यूनियन बी का डैश, मतलब हमें ऐसा देखने की ज्यादा आदत है, ए यूनियन बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या मैं इसके अंदर ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका उसमें वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैन ऑलवेज बी रिटन एज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पे ए की जगह ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस में भी क्या आ गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का तो फॉर्मुला मुझे याद है, यहां पर आपको जो रिजल्ट यहां पे सी में निकालना है उसका आरएचएस क्या बन रहा है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो यहां पे अब एक एक करके चीजें ओपन करते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, एंड माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्योंकि अब हम ऑलरेडी ये डिड्यूस कर चुके हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो उनके इंटरसेक्शन के प्लेस में क्या लिख सकता हूं मैं, उनके इंटरसेक्शन के प्लेस में पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं अब यहां पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं चीजें कॉमन निकाल सकता हूं, जैसे आपके पास में यहां पे 1 माइनस पी ए दिख रहा है, अगर मैं बाकी दोनों में से माइनस पी भी कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में फिर से 1 माइनस पी ए बनेगा, ठीक है। सो वी नीड टू विजुलाइज सच थिंग्स नाउ, यहां पे क्योंकि आपका जो पूरा क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड ही है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज द कैलकुलेशन ओनली।
जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यहाँ पे रिलेशन है वो तो हमें यूज करते ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस पी ए कॉमन निकालता हूं तो क्या बनाएगा, 1 माइनस पी ए कॉमन निकालने के बाद यहां से 1 बचेगा और वहां से पी बी बचेगा। अब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करके आपको हमेशा 1 मिलता है, दैट्स व्हाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन बी रिटन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास में कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और यही एक्चुअली आपका सी ऑप्शन भी है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आंसर्स आएंगे सी और डी। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, आपको यहां पे बस ये दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब वो लैंग्वेज में नहीं दिया, उसने इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में हम यहां पे अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो यूज करके वेन डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपके पास में जो कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, हम अपने यहां पे वैल्यूज फाइंड करके देखना चाह रहे हैं और हर एक ऑप्शन को यहां पे चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट अ सिमिलर क्वेश्चन दैट केम इन 2011 एडवांस। अब ये भी आपके पास में बेसिकली क्या है, मोर देन 1 का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा यहां पर आपके आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। कौन सा सही होगा वी डोंट नो, वी विल हैव टू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली और यहां पे पूरा ही हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा बेटर है, ये क्वेश्चन रिलेटिवली बेटर इसलिए है क्योंकि आपके पास में जो ए बी सी डी ऑप्शन है उनमें पूछी गई चीज जो है वो सेम है, पी ऑफ ई पी ऑफ एफ पी ऑफ ई पी ऑफ एफ। ये जो है पिछले क्वेश्चन से बेटर इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको पता है कि यार मुझे ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कमेंट करना है, मैं उसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा, जो भी यहां पर सेटिस्फाई करेगा उसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो दिस लुक्स बेटर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, अगर हर एक क्वेश्चन ही अपने हर एक ऑप्शन ही अपने आप में क्वेश्चन है देन दीज क्वेश्चन एक्चुअली टेक मोर टाइम, हर एक को आपको नए थॉट के साथ में स्टार्ट करना पड़ता है और सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। सो वाइल सॉल्विंग मोर देन 1 यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ दीज थिंग्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली शायद मोर देन 1 का होके भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा शायद, क्योंकि एक सिंगल थॉट प्रोसेस के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्या दिया यहां पे, लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसने यहां पे स्टेटमेंट ही दे दिया ई और एफ जो इंडिपेंडेंट है, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। अब यहां पे एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का आपको यहां पे वेन डायग्राम अभी तक याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। एग्जैक्टली एक होना चाहिए, लेकिन चलो तब भी एक बार फिर से बना देता हूं मैं। एक आपके उसमें इवेंट ई है, एक आपके उसमें इवेंट एफ है, एग्जैक्टली एक होना चाहिए। मतलब या तो ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा है या फिर राइट साइड की बात कर रहा है। इस चीज को लिखने का तरीका क्या होता है, इस चीज को लिखने का तरीका होता है बच्चों आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोला था आपने ये अनवांटेड सर्कल काउंट कर लिया, जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोला था आपने अनवांटेड सर्कल दूसरी बार भी काउंट कर लिया, तो आपको यहां पे दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो अनवांटेड रीजन है उसके अंदर। तो अनवांटेड रीजन यहां पर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ऑलराइट, ए इंटरसेक्शन बी है या ई इंटरसेक्शन एफ है, ऑलराइट, ई इंटरसेक्शन एफ है। यहां पर आपके जो नाम है वो रेगुलर से थोड़े से हटके हैं, ठीक है, एक इवेंट ई हो गया एक इवेंट एफ हो गया, ऑलराइट, और इसकी वैल्यू उसको दी हुई है ना, याली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 11/25 है, ठीक है, ऑलराइट। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर, कोई भी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, इस बात को कैसे विजुलाइज कर पाएंगे कि यहां पर जो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको वो क्या है कि ई ना हो एंड साथ ही साथ और क्या ना हो, एफ भी ना हो, ठीक है। यहां पर ये भी नहीं होना चाहिए वो भी नहीं होना चाहिए, अगर हमने ये गारंटी कर दिया तो यहां पर इसका मतलब दोनों ही नहीं हो रहे, नन ऑफ देम अकर, ठीक है, नन ऑफ देम अकर को एक्चुअली मैं इस तरह से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। इस चीज को आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा के हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का ओवरऑल बार। डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल वही है जो आप सेट्स में यहां पर पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, सेट्स वाला है, यहां पर आपको फंडा यूज करना है। और क्योंकि हमें यहां पर कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी पता है, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं आगे चल के, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, ऐसा इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, जिसका वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 2/25, जिसका वैल्यू गिवन है 2/25, क्लियर हो रहा है। ये हमने यहां पे इक्वेशन के फॉर्मेट में अपनी वैल्यूज 11/25 और 2/25 लिख ली। इफ पीटी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट टी, अब ये बेसिकली आपको केवल नोटेशन समझाने के लिए है, टी का यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको बेसिकली पी ऑफ ई मतलब क्या समझना है, पी ऑफ एफ क्या समझना है, वो इसने यहां पे बोला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में उसने ये नोटेशन यूज किए हुए हैं। नाउ एडवांस वाले जो यहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर इस तरह की क्लैरिफिकेशंस बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे,
ठीक है, बट ये समझो कि लास्ट स्टेटमेंट जो है केवल क्लैरिफिकेशन के लिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो नोटेशन यूज किया है वो पी ऑफ ई ही यूज किया है बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, बट तब भी इसने दिया है तो अच्छी बात है। ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, हमें बेसिकली क्या समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखें कि मुझे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पीई और पीएफ के लिए यहाँ पे आगे सॉल्व करना है, मुझे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पीई और पीएफ के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मेरी नजर जो है वो यहां जा रही है कि यार ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यहां से मैं निकाल सकता हूं, क्या करेंगे ये प्रोबेबिलिटी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 2/5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो आपके पास यहां पर बन क्या रहा है, आपके पास में बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 1 - 2/25 विच इज 23/25। तो पहली बात तो ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का जो फॉर्मूला है वो यहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम अगर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि आपको इंडिविजुअल वैल्यूज तक पहुंचना है ना, आप इंडिविजुअल वैल्यूज तक पहुंचोगे तभी आपका आंसर आएगा, और यहां पे इस फॉर्मूले से आपकी यहां पे ब्रेक होकर वैल्यूज बन रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये वैल्यू आपके पास में दी हुई है 23/25 के बराबर। लेकिन अब आपके पास में एक तो ये इक्वेशन है और आपके पास में एक ये इक्वेशन भी है, आपके पास में एक ये इक्वेशन भी है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, ठीक है, आपकी जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, आपकी दूसरी इक्वेशन ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, और ये जो आपने अभी इसको एक्सपांड किया लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 और 3 से आप कुछ डिड्यूस कर सकते हो क्या, इक्वेशन नंबर 1 को और अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एंड एक्स्ट्रा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दो जो यहां पे लिखा हुआ है उसकी मदद से अगर आप यहां पे दो एक्स्ट्रा टर्म्स क्रिएट करते हो, ठीक है, तो पहले वाले 3 टर्म्स मिलकर तो आपको यही दिखाई देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल क्या रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन वन एंड थ्री व्हाट वी गेट इज, यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 23/25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आरएचएस में, यहां पे आरएचएस में 11/25 दिया हुआ है, ठीक है। क्या यहां पर सारे बच्चे सोच पाए क्या किया मैंने, यहां पर मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने एक पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को अलग निकाला, एक को अलग रख दिया, पहले तीनों को यहां पे मैंने मर्ज करके देखा तो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 3 ही बन रही थी, और इक्वेशन नंबर 3 से मैंने जो 23/25 वैल्यू है वो यूज कर ली। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 11 इस साइड आएगा और वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू उस साइड जाएगा, तो आपके पास आएगा 12/25 आपके पास में आंसर निकल के आएगा। यहां तक हमें बात आती है समझ में, ठीक है, लेकिन अभी तक भी हमें कोई बहुत बढ़िया चीज हाथ नहीं लगी है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अलग से चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अलग से चाहिए। सो व्हाट कैन वी डू, अब क्या कर सकते हैं, यहां पे एक चीज तो मैं ये कर सकता हूं कि ये जो 12/25 मेरे पास में आया है, 12/25 मेरे पास में जो आया है, क्यों ना मैं यहां पे यूज कर लूं कहां पे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 3 में यूज करता हूं तो मेरे पास में पीई प्लस पीएफ आ जाएगा, ठीक है, मच बेटर वैल्यू टू एक्चुअली फाइंड आवर आंसर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आगे यूज इन इक्वेशन थ्री, अगर मैं इक्वेशन 3 में इसको यूज करता हूं 12/25 तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आएगा, राइट हैंड साइड आएगा तो आपका यहां पे पीई प्लस पीएफ का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 23/25 ऑलरेडी है और ये वैल्यू इस साइड आएगी, मतलब 12/25 इसके अंदर ऐड होगी, तो कितना हो जाएगा 35/25, ऐसा आपका वैल्यू बनेगा। यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई, क्लियर है, ऑलराइट। और क्या कर सकता हूं मैं यहां पे, और एक चीज नोटिस करता हूं कि यार आपको क्वेश्चन में दिया क्या था, अभी तक हमने इस बात का शायद ज्यादा यूज किया नहीं है, इनफैक्ट आई गेस हमने इसका यूज किया ही नहीं है, क्या हमने कहीं पर भी किया, नहीं, हमने इस बात का कहीं पर भी यूज नहीं किया कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आपको क्या पता चलता है कि आप इंटरसेक्शन को डायरेक्टली किसमें चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर इक्वेशन दैट वी कैन जनरेट, सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट,
तो यहां से आपकी जो इक्वेशन है वो बेसिकली कैसे कन्वर्ट हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस बिकम्स इक्वल टू 12/25। तो हमारे पास में बेसिकली जो वैल्यूज फाइंड करनी है इंडिपेंडेंटली ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज का, वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, हमारे पास में अब उनका सम है और हमारे पास में उनका प्रोडक्ट है, हमारे पास उनका सम है और हमारे पास इनका प्रोडक्ट है। तो यहां पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके पास में है। अगर आप इसको एक्स और इसको वाई बोलते हो तो आपके पास में एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है। अगर आप यहां पे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास में प्रॉब्लम क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे। लेकिन वो तो अच्छी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे तो यहां पे ये जस्टिफाई भी हो रहा है कि ये मोर देन वन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक से ज्यादा आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर आप थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लो, आपके पास में दो बहुत बढ़िया इक्वेशन है और आपके पास में बहुत ही सिंपल सिंपल से ऑप्शन है। आपको क्या यहां पर गारंटी करना है कि आप जब उनको ऐड करते हो तो आपके पास में 35/25 बनना चाहिए और आप अगर उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में 12/25 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आपके पास में ए ऑप्शन ये बात कर रहा है सेटिस्फाई? अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 7/5। नाउ 7/5 इज सेम एज 35/25, ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या आता है 12/25, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ए बिकम्स अवर करेक्ट चॉइस। लेकिन यहां पे और अगर आप देखोगे तो आपके पास में क्या है, उप्स, आपके पास में यहां पर क्या है और एक ऑप्शन है जिसके अंदर 3/5 और 4/5 का कॉम्बिनेशन है, विच इज द डी ऑप्शन। लेकिन बी और सी ऑप्शन जो है काफी अलग है, वहां पे आप मल्टीप्लाई करके देखो, ऐड करके देखो, यहां पे कोई सा भी यहां पे इक्वेशन बी और सी में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई विदाउट इवन सॉल्विंग वी कैन एनालाइज द ऑप्शन एंड से कि यहां पर आपका ए और डी करेक्ट होना चाहिए। आ रही बात सुन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में आ रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की आदत डालना है, ठीक है। तो यहां पर और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एडवांस 2012। इसके पहले हमने 2011 का क्वेश्चन किया था, आई गेस, हाँ, इसके पहले हमने 2011 का क्वेश्चन किया था। अब ये वाला क्वेश्चन 2012 में आया है, ठीक है, फिर से मोर देन वन में आया है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई इट आउट। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज 1/2 एंड वाई गिवन एक्स इज 1/3। यहां पर ये दोनों एक्सप्रेशन हमें लिखते आते हैं क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर के बाद समझ में आ गई है, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास में वैल्यूज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास में जो लिखी हुई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2। ऐसा आपको रिजल्ट पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, और एक चीज देखते हैं, आपके पास में जो दूसरा वैल्यू दिया है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स। Now, y given x can be written as probability of y intersection x upon probability of x. और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब आगे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिया है, probability of x intersection y. Probability of x intersection y अगर 1/6 है तो इसका मतलब आपको यहां का न्यूमरेटर पता है, आपको यहां का भी न्यूमरेटर पता है, तो आपके उसमें इंडिपेंडेंटली p of x और p of y का इसका मतलब आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे क्या, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1/6, what we get, probability of x we will get and probability of y also we will get, ठीक है। यहाँ पे 1/6 है, 1/6 में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 1/3, और ये किसका आंसर निकला, p of y का आंसर हो गया 1/3 के बराबर। आपके पास में x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके उसमें किसका आंसर आ गया, p of x का आंसर आ गया आपके उसमें 1/2। आपके उसमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट आंसर इस क्वेश्चन में बहुत जल्दी निकल के आ गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं यूनियन का आंसर निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या जरूरत है, इसका, इसका और जो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है उसकी जरूरत है। तो यहां पे यूनियन का आंसर तो आएगा, हम ओरली निकाल सकते हैं क्या, लिख लें एक बार, चलो। तो आपके उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई करने पर क्या आएगा, आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सारे ही वैल्यूज हमें बड़ी आसानी से यहां पे इस क्वेश्चन में पता चल गई है। सो आई गेस दिस वन इज ईजियर ऑफ द लॉट्स। यहाँ पे हमारे पास में जो भी आज क्वेश्चन है उनमें आई गेस ये सिंपलर है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गई हैं। इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही थी, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम 6 लूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 लेके ये आ जाएगा मेरे पास में 3, ये आ जाएगा मेरे पास में 2, माइनस आ जाएगा 1, तो आपके उसमें आ रहा है 4/6 विच इज एक्चुअली 2/3, ठीक है। तो आई गेस आपका ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो गया, आपका यहाँ पे x यूनियन y का आंसर 2/3 बिल्कुल सही दिया हुआ है। x एंड y आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर हम ये जल्दी से चेक कर लेते हैं, आपके पास में इंटरसेक्शन का आंसर लिखा हुआ है,
आपके उसमें एक्स और वाई का आंसर लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आपके उसमें 1/6 आता है? 1/2 × 1/3 करके क्या आपके उसमें 1/6 आता है? अगर आता है, विच इज ट्रू, तो आपके उसमें बी आंसर भी सही हो गया. ठीक है, एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो यहां पे ऊपर ही हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होना चाहिए. और एक चीज यहां पे जो है, अब ये अलग से ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, यहां पे क्योंकि मोर देन वन है, वी कैन नॉट टेक रिस्क. आपको यहां पे जो डी ऑप्शन है उसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, करते हैं यहां पर मेहनत, और कोई हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑप्शन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, तो यहां पर फिर से वेन डायग्राम के थ्रू क्या आप सबको याद हो गया है, क्या ये कर करके आप सबको याद हो गया कि इसका आंसर क्या बनता है? ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, आप बनाओ अभी के अभी वेन डायग्राम और इस चीज को वेरीफाई करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटरसेक्शन वाई क्या होना चाहिए, एक्स बार इंटरसेक्शन वाई. यहां पे इसने सी का यहां पे नोटेशन यूज किया है, आप वो भी यूज कर सकते हो या फिर बार भी लगा सकते हो. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमने कितना निकाल के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है आपके उसमें 1/3 और इंटरसेक्शन का आंसर कितना दिया है उसने 1/6. इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके उसमें आएगा कितना, 1/6 और दिया हुआ कितना है 1/3, तो ये भी गलत हो गया. तो आपका आंसर क्या निकला इस क्वेश्चन का, ए और बी. ऑलराइट, तो यहां पर जो हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी वो, और जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट किए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. आपको इनके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ठीक है, ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर क्वेश्चंस. अब याद है क्वेश्चन 2007 का, ये क्वेश्चन मुझे अभी तक का पूछा हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है. ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी कि यहां पर क्या किया है इन्होंने. इसके पहले वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे से हम कंप्रेहेंड कर पा रहे थे, ये वाले क्वेश्चन में हमें कुछ अलग और कुछ नया और कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा. ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लेट ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई. ठीक है, सो 2007 में आया था, तो ये वही साल है जब मैंने एक्चुअली एडवांस दिया था. ठीक है, सो कुछ अच्छी यादें भी हैं, कुछ बुरी यादें भी हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ में, है ना. तो क्या बोला यहाँ पे, ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई. ठीक है, ये वाली बात तो हमें पता ही थी. लेट ई एफ एंड जी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या, जब भी आपको बोला जाता है कि ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन इवेंट्स वाला जो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो लिखते हैं. मतलब क्या लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, क्या करते हैं यहां पे, जब भी हमारे पास में तीन इवेंट्स होते हैं, लेट अस यहां पे ई एफ जी के साथ में कंफ्यूज ना करें चीजों को, ए बी सी के साथ में अलग से डिस्कशन में आपके साथ में कर लेता हूं. जब मैं आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये बोला है कि इसका मतलब आपने क्या करना है, तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लेना है. यस, यही सिखाया है. ठीक है, ऑलराइट, लेकिन जब मैं बोलता हूं पेयर वाइज, देन ये इक्वेशन आपको नहीं लिखना है. जब मैं बोल रहा हूं पेयर वाइज, तो आपको एक्चुअली दो दो का पेयर उठाना है. डिफरेंस समझ में आ रही है सब बच्चों को, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है आप यूज नहीं करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, क्या करेंगे यहां पर देखिए जरा, आपको यहां पर दिया है कि ई एफ और जी जो है वो पेयर वाइज, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर कभी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहते हो तो उसकी वैल्यू आपको पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर लिखते आ जाएगी. अगर आप F इंटरसेक्शन G निकालना चाहते हो तो उसकी वैल्यू आपको P ऑफ F इंटू P ऑफ G के बराबर लिखते आ जाएगी. और वैसे आप कभी G इंटरसेक्शन E निकालना चाह रहे होगे तो आप उसको P ऑफ G इंटू P ऑफ E ऐसा लिख सकते हो. लेकिन वो जो तीसरी चौथी इक्वेशन है वो हम नहीं लिखेंगे. अगर यहां पे पेयर वाइज नहीं बोल के इसने केवल इंडिपेंडेंट बोला होता तो हम वो काम तब भी कर सकते थे. ठीक है, ऑलराइट, इंटरसेक्शन तीनों वाला हम यहां पे इक्वेशन नहीं लिखेंगे. लेकिन जो इंटरसेक्शन तीनों वाला यहां पे आपके उसमें इक्वेशन लिखने की आपकी जरूरत पड़ने वाली थी उसका तो उसने वैल्यू दिया हुआ है. ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का जो वैल्यू यहां पे जीरो के बराबर है. ठीक है, और यहां पे क्या दिया है, पी ऑफ जी पक्के से आपकी ग्रेटर देन जीरो है. पी ऑफ जी आपका जीरो तो नहीं है, पी ऑफ जी कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी है. ऑलराइट, अब यहां पे आके हमें बेसिकली जो डेटा दिया है वो समझ में आया है. पेयर वाइज इंडिपेंडेंट क्या होता है पहली बात तो ये समझ में आया है. ठीक है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू जीरो है ये समझ में आए. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में ये जो इवेंट है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी उसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, उसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं. ठीक है, ऑलराइट, अब आपसे जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करते हैं. आपसे ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई कॉम्प्लीमेंट, मुझे बार लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस गिवन जी आपको फाइंड करना है, तो ये तो ए गिवन बी जैसा फॉर्मुला में अप्लाई कर ही दूंगा। यहां पे मुझसे बेसिकली कोई कंडीशनल प्रॉबिलिटी पूछी गई है, ये आपको देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैं तो ए गिवन बी वाले फॉर्मुला यहां पे यूज करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो भी है इंटरसेक्शन नीचे वाला, तो ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन जी, नीचे कितना आ जाएगा जो भी नीचे लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन तो यही बनना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन तो यही बनना चाहिए, ये सुनो। अब इसको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो दूर की बात है, लेकिन एक्सप्रेशन में आएगा किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू नाउ अंडरस्टैंड कि यार ये न्यूमरेटर आखिर लिखा हुआ क्या है। ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जी हो जाना चाहिए। ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जी हो जाना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बच्चों पहले किए हुए हैं, जब मैंने आपको एडिशनल प्रिंसिपल पढ़ाया था लास्ट वीक, ठीक है, तब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। हम यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और आई गेस ये हम बड़ी आसानी से अब यहाँ पर भी कर पाएंगे। ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए और जी होना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस। आपके पास में एक सर्कल ई का है, एक एफ का है और एक जी का है, ठीक है। और ये रख देते हैं हम एक यूनिवर्सल डब्बे के अंदर, नाम भी रख देते हैं सबका, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ठीक है। और आपसे बोला क्या गया है, ई नहीं होना चाहिए, मतलब ई वाले सर्कल के बाहर होना चाहिए सब कुछ। और क्या बोला है, एफ नहीं होना चाहिए, मतलब एफ वाले सर्कल के भी सब कुछ बाहर होना चाहिए, लेकिन जी होना चाहिए, मतलब जी वाले सर्कल के अंदर, जी वाले सर्कल के अंदर, ई वाले सर्कल के बाहर और एफ वाले सर्कल के भी बाहर। मतलब आपको कौन सा रीजन मिल गया, आपको यह पर्टिकुलर रीजन मिल गया यहां पर, समझे यहां पे सर बच्चे। तो इस पर्टिकुलर रीजन का एक्चुअली अब आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है, थोड़े ज्यादा बेटर तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रीजन एग्जिस्ट करता है अल्टीमेटली कहां एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है जी सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये जो जी सर्कल है वहां से मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूं। मेरे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए और जी होना चाहिए, ये जो मेरे पास लिखने का टारगेट है, इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूं कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस समथिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में पूरा पूरा सर्कल आना चाहिए था, लेकिन ये उससे कम है, तो मैं कुछ तो सेपरेट करने की आगे सोचूंगा। क्या हटाऊंगा इसके अंदर से, मैं यहां से हटाना चाह रहा हूं ई और जी का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी यहां से हटाना चाह रहा हूं, ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो यहां से क्या क्या हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का ये मतलब है। और वैसे ही यहां पर और क्या हट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी हटाना चाहूंगा मैं, जी और एफ का इंटरसेक्शन, F इंटरसेक्शन G, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हट गया और ये वाला पोर्शन भी हट गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो P ऑफ G लिखा था, तो ये वाला जो बीच वाला रीजन है ये एक ही बार काउंट हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, आपने दो बार इसको सेपरेट कर दिया। तो यहां पे रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कॉमन वाला रीजन, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा प्लस करके। अब हमारे पास में यहां पर जो डेटा है वो काम आएगा, ठीक है। हमारे पास जो डेटा है वो क्या है कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का तो प्रोबेबिलिटी जो है वो तो जीरो है। यहां पे E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है। दैट्स वाई ये अगर रेक्टिफिकेशन कोई अगर करना भूल भी गया है तो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसका आंसर सही निकल के आएगा। लेकिन सही तरीका तो क्या है, आपको अगर इस शेडेड रीजन का एक्सप्रेशन लिखना है एक्सपांडेड फॉर्मेट में, ठीक है, देन इट शुड बी दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी उठाएंगे, पूरा सर्कल उठाएंगे, उसमें से पहले दोनों का इंटरसेक्शन, दूसरे दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बीच वाला रीजन दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो एक बार ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा रहेगा, आपको अभी नजर आ रहा है कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज आपके पास यहां पे जो न्यूमरेटर है वो क्या बनना चाहिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए और जी होना चाहिए अपॉन पी ऑफ जी, ये बनेगा कितना, पी ऑफ जी माइनस दिस, पी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। लेकिन अब यहां पे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का आप यूज कर सकते हो। हमने क्या बोला है कि E और G कभी भी अगर साथ में इंटरसेक्शन में होंगे,
ई और जी कभी भी अगर साथ में इंटरसेक्शन में होंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिखा था हमने कि एफ और जी कभी भी अगर इंटरसेक्शन में होंगे तो आप उनको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट यहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहां पर लगाते हो क्या होगा, पी ऑफ जी यहां से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है सारे बच्चों को। यहां पे न्यूमरेटर में हर एक टर्म में पी ऑफ जी है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास में पी ऑफ जी है, दैट इंडिकेट्स कि आपका यहां पे सिंप्लीफिकेशन अभी होने वाला है। लेट मी जस्ट कैंसिल दिस आउट ताकि यहां पर सारे बच्चे अच्छे से देख पाए। पी ऑफ जी कैंसिल कर दिया, नीचे वन आ गया, यहां पे कैंसिल कर दिया, वन आ गया, यहां पे कैंसिल कर दिया, यहां पे कैंसिल कर दिया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज वन माइनस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ, 1 माइनस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ। अब 1 माइनस पी ऑफ ई को आप क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, और माइनस पी ऑफ एफ भी है आपके साथ में, इसमें आपका सी आंसर यहां पे सही निकल के आने वाला है। कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर आपका यहां पे सही निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, और कोई भी ऑप्शन यहां पे देखो या तो आपकी प्लस माइनस की गड़बड़ है या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट गड़बड़ जगह लिखा हुआ है, ठीक है। द ओनली आंसर विच इज मैचिंग इज सी। तो ये आपका सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन था, क्लियर हो रहा है। काफी कुछ यहां पर हम लोग को सीखने को मिला है ना, यहां पर हमें ये सीखने को मिला है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होते हैं तो हम उसको डील कैसे करते हैं। साथ ही हमें ये सीखने को मिला कि यहां पे अगर आपके एक्सप्रेशंस बड़े भी हो जाते हैं सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यहां पे क्या करते हैं ऊपर जो लिखा है उसका इंटरसेक्शन नीचे जो लिखा है ऐसे ही अपना न्यूमरेटर क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हमें ये पता चला कि यार यहां पे कभी अगर जरूरत पड़ती है तो वेन डायग्राम तो ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए मौजूद है ही, आपको उस क्या करना पड़ेगा जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से पहले तो शेड करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को अच्छे से प्लॉट कर लेते हो तो आपको यहां पे आगे के एक्सप्रेशंस बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर किसको दिक्कत आती है देन उसने यहां पे सेट्स वाला जो मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए। उसके अंदर हमने काफी डिटेल में ये डिस्कस किया था कि यार इस तरह के आप शेडेड रीजन की वैल्यूज आखिर लिखते कैसे हो, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस दिस वाज आई गेस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट आई हैव सीन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हम करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया आए अच्छे से कि यार किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, बट नाउ लेट अस डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास में तीन बच्चे हैं, ठीक है, थ्री चिल्ड्रन ए बी सी इन ऑर्डर थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा आज का, ये करके आपको काफी मजा भी आएगा। थ्री चिल्ड्रन ए बी एंड सी इन ऑर्डर थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस विद अ चैलेंज दैट हूएवर थ्रोज अ डबलेट, डबलेट मतलब क्या है, डबलेट मतलब का मतलब क्या होता है, डबलेट मतलब होता है कि आपके पास में दोनों डाई के ऊपर सेम आउटपुट आया, वन वन इज ऑल्सो डबलेट, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है। तो टोटल छह पॉसिबल आपके पास में डबलेट्स होते हैं। अगर कोई भी यहां पर डबलेट थ्रो करता है तो वो जीत जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, दे कंटिन्यू प्लेइंग इनडेफिनेटली अंटिल समवन विंस, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि उनके पास में बहुत टाइम है, ठीक है। उनके शायद गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और वहां पे उनके पास कोई भी और दूसरा काम नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, तीनों लोग सर्कल में बैठ गए हैं। आपके पास में एक चिल्ड्रन चाइल्ड ए है, एक चाइल्ड बी है, एक चाइल्ड सी है, ठीक है। यहां पर एक एक करके हर कोई पासा फेंक रहा है, पासे फेंक रहा है, ठीक है, दो दो हैं यहां पे, ओके। अब यहां पे ए ने अगर पासा फेंका और उसको अगर यहां पे सेम नंबर आ गए दोनों डाइस के ऊपर, मतलब डबलेट आ गया उसको, तो जीत जाएगा और गेम वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको नहीं आता है तो बी का नंबर आएगा, बी ने अगर डबलेट थ्रो कर दिया, बी ने अगर डबलेट थ्रो कर दिया देन इन दैट केस वो जीत जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा, सी का नंबर ही नहीं आएगा, सी बेचारा बैठा हुआ था, है ना, यहां पे बी ने ये जो है डबलेट थ्रो कर दिया। लेकिन अगर बी ने भी थ्रो नहीं किया है डबलेट तो फिर सी का नंबर आएगा, फिर सी अगर यहां पे डबलेट थ्रो करता है तो वो जीत जाएगा, फिर वापस ए का नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर तीनों ने यहां पे पहले थ्रो में डबलेट हासिल नहीं किया, डबल एट नहीं बोल रहा हूं मैं, डबलेट बोल रहा हूं, ठीक है, डबलेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डबलेट किसको बोलते हैं, जब आपके पास में दोनों डाइस के ऊपर सेम आउटपुट आते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है। ये जो आपके आउटपुट्स हैं इनको हम यहां पे कैटेगराइज डबलेट के नाम से कर रहे हैं। तो अगर ये भी नहीं थ्रो कर पाया डबलेट, ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, तो वापस किसका नंबर आ जाएगा, ए का नंबर आ जाएगा। और इनडेफिनेटली का ये मतलब है कि ऐसा करते जाएंगे जब तक कोई ना कोई डबलेट थ्रो ना कर दे। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है सारे बच्चों को। इफ ए स्टार्ट्स, अब यहां पे जो गेम की शुरुआत की है वो किसने करी है, ए ने करी है। इफ ए स्टार्ट्स द गेम देन देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग क्या होंगे,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पे गेम जीत पाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको एनालाइज करो ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, हम होमवर्क के लिए देते हैं आपको, आप इसको होमवर्क में करो और मुझे यहां पर तीनों की प्रोबेबिलिटीज बताओ। क्या आपको लग रहा है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि यार तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए यहां पे? तो क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 करते थे आंसर, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं ठीक है। अगर आपको ये लग रहा था आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लग रहा है नहीं यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है, किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम है, देन आप मुझे अलग अलग आंसर्स बताओ ठीक है। और इसका जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कल का लेक्चर आपका महा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन के साथ साथ हम वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के और बेस थ्योरम के, वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गए तो फिर उसके बाद हम जितने भी यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं सारे उठा सकते हैं, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी कर पाओगे ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस टेक दिस एज होमवर्क ऑफ द डे, ये आपका होमवर्क रहेगा ठीक है। ऑलराइट चलो, तो बच्चों आपको आई गेस यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे ज़रूर क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया पे अगर बच्चों आप शेयर करते हो देन यू कैन शेयर इट विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। जेई लाइव डेली इस रिवॉल्यूशन का हैशटैग है जो हमने अनअकैडमी जेई चैनल के थ्रू स्टार्ट किया है, ताकि हम यहाँ पे बच्चों तक पहुँच पाए और उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड द वर्ड, और ज्यादा बच्चों को अगर जेई अनअकैडमी जेई के बारे में पता चलेगा तो यहां पर जो इतने ज्यादा बच्चे हमारे इंडिया में हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो शायद जेई जैसे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो यहां पर ट्रेंड खत्म होगा ठीक है। केवल फाइनेंशियली जो अभी स्ट्रांग है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पाते हैं और तभी उनका सिलेक्शन हो पाता है ठीक है। दैट ट्रेंड हैज़ टू चेंज बिकॉज द डिजर्विंग हैज़ टू गो टू आईआईटी, ताकि वो आगे जाके और भी ज़्यादा डेवलपमेंट में बच्चों यहाँ पे आप हेल्प कर पाओ ठीक है। सो मेक श्योर टू स्प्रेड द वर्ड। और बच्चों आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते हो देन यू कैन ऑल्सो टैग मी विद द हैंडल @समीर_IITR ठीक है। यहाँ पर आपके पास में सारे ही टीचर्स जो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं ठीक है। आप हर एक टीचर को टैग कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, इस हैशटैग को टैग कर सकते हो, ताकि यहाँ पर हम सब एक सिंक में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। बच्चों आपको अगर यहाँ सारी बातें समझ में आ रही है देन आई गेस यू शुड ऑल्सो ऑप्ट फॉर अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर हम चारों टीचर्स तो हैं ही मौजूद जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वहाँ पर इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। वहां पर आपको नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आप कहां स्टैंड करते हो। साथ ही साथ आपके अगर बहुत सारे डाउट्स इकट्ठा हो गए जो आपको लग रहा है कि यार कोई अगर मदद कर दे तो बढ़िया हो जाएगा, देन यहां पर आपको डेडिकेटेड डाउट डिस्कशन सेशंस भी मिलते हैं विच आर आई गेस वन ऑफ द फेवरेट सेशंस ऑफ एवरी टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे अपने डाउट्स क्लैरिफाई करके काफी कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं ठीक है। आपको अगर ये करना है देन यू कैन ऑलवेज यूज जेई लाइव कोड। नाउ दिस कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस दैट यू कैन सी हियर ठीक है, और हर एक पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड रहोगे तो आपका यहाँ पे जो पर मंथ कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, आपका पर डे कॉस्ट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगर अफोर्डेबल प्राइसेस चाहिए देन 12 मंथ एंड 24 मंथ आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। यू कैन ऑप्ट फॉर 6 मंथ ऑप्शंस ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप 2020 में ही एग्जाम देने वाले हो और उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ठीक है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आपने कम से कम एक साल का लेना चाहिए, ताकि आप जेई एडवांस तक सारे टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहो ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।